जमाने में लोग क्या बोलते हैं, इस बिजनेस को जब आप करने के लिए जाएंगे आपकी बीवी आपको करने से मना करेगी, क्या फालतू वाला काम करना आपने शुरू कर दिया। आपके बच्चे आपको रोकेंगे, क्या पप्पा आप बुढ़ापे में पगला गए हो, क्या ऐसे कामों में चक्कर में आप फंस गए। अरे आपका यार मना करेगा, क्यों तो अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करने के चक्कर में लगा पड़ा, जो कर रहा है वही करता रहे। आपका पड़ोसी बोलेगा भाई शर्मा जी जिंदगी तबाह करने का इरादा है क्या, अरे ठीक ठाक नौकरी है, अच्छा कमा खा रहे हो, क्यों फालतू के लफड़े में पड़ रहे हो। लोग सलाह देने के लिए आएंगे, समझाने के लिए आएंगे। जिंदगी में फोकट में सलाह देने वाले लोग मार्केट में भरे पड़े हैं, फोकटिया सलाहगीर भरे पड़े हैं, और उन फोकटिया सलाहगीरों से किसी का भी जीवन नहीं बनता। आज अगर क्रिकेट अगर कोई देख रहा हो, पान की दुकान आपके शहर में आपके इलाके में होगी, बोकारो में है ना, आप देखना जब कोई क्रिकेट मैच जब चलता हो, पान की दुकान पर जो पान की दुकान वाला है, एक टीवी लगा के जो बैठा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, ढेर सारे लोग पान वाले की दुकान पर जमघट लगा के क्रिकेट का मैच देखते हैं, और पान की दुकान पर कत्था चूना रगड़ने वाला वो भी मैच देखता है। और जब विराट कोहली डिफेंस में अपना विकेट बचाने के खातिर जब एक बॉल मिस कर देता है तो पान की दुकान पर चूना कत्था रगड़ने वाला क्या बोलता है, साला ये भुला है विराट कोहली अब रिटायर होने के लायक होगा, रिटायर करो, बता छक्के की बॉल थी और मिस कर दी। साला किसको दे रहा है, साला किसको दे रहा है, दुनिया के टॉप के बैट्समैन को। और उस पान की दुकान पर चूना कत्था लगाने वाले का अगर रिकॉर्ड अगर उठा के देखो तो खानदान में 7 पुश्तों में भी किसी ने बल्ला नहीं पकड़ा होगा, लेकिन सलाह विराट कोहली को दे सकता है। अरे आप अगर अपने घर में एक मकान बनाने के लिए अगर आप तैयारी करोगे ना तो पड़ोसी बड़े तनके आएगा, ओहो क्या भाई साहब आपने बड़ा बढ़िया घर बनाया, मजा क्या बात है, घर तो साहब आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये जो आपने जंगला जो इधर दिया ना, चौखट जो आपने इधर लगा, ये दरवाजा जो इधर आपने फिट किया, ये दरवाजा पूरब की जगह अगर पश्चिम में लगाते ना तो वाह क्या बात, मजा आ जाता। साले घर मेरा है, तेरे को जलन क्यों हो रही है, घर मैं बना रहा हूं, दरवाजा पश्चिम में लगाऊं पूरब में बनाऊं, तुझे क्या लेने देना। जो आपको सलाह दे रहा है ना कि दरवाजा पश्चिम में होना चाहिए कि पूरब में होना चाहिए, उसको अगर झांक के आओ ना उसके घर में देखने के लिए, तो साहब दरवाजा तो छोड़ो, उसके घर में तो चौखट भी नहीं लगा, पर्दा लगा का काम चला, और सलाह आपको दे रहा है कि दरवाजा किधर होना चाहिए, दरवाजा किधर होना चाहिए। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बुखार अगर होगा तो कौन सी दवा लेनी चाहिए, ये आपका पड़ोसी बताएगा या डॉक्टर बताएगा। अगर आप अपने पसंद का अपने सपनों का घर अगर आप बनाएंगे तो वह घर में दरवाजा और चौखट किधर लगेगा, आपका पड़ोसी समझाएगा, आपका यार समझाएगा, या डिजाइन करने वाला वो आर्किटेक्ट समझाएगा, कौन समझाएगा, आर्किटेक्ट। सही सलाह के बदले में अगर कोई कानून में केस के चक्कर में अगर फंस जाओ तो हर आदमी वो वकील बनकर सलाह देने आएगा, साहब ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन सही सलाह देने के लिए कौन काबिल है जी, वो वकील साहब। फोकट में सलाह देने वाले लोग मार्केट में हर कदम पर आपको मिलेंगे, लेकिन इन फोकट में सलाहगीरों के चक्कर में फंसकर किसी भी आदमी का जीवन नहीं बनता, जबकि सही सलाह के बदले में भाई साहब फीस लगती है। डॉक्टर साहब भी आपको यह बताने से पहले कि कौन सी दवा खाने से आपकी बीमारी ठीक होगी, भाई साहब सिर्फ दवा का नाम लिखने के बदले में आपसे पैसा लेते हैं, फीस। हां कि ना, आपके सपनों का घर बनेगा कैसे, उस सपने के घर का डिजाइन बनाने से पहले आर्किटेक्ट आपसे फीस वसूलता है, हां कि ना। आपको सलाह देने के लिए कि भाई इस केस से कैसे निकलोगे, वो वकील साहब सलाह देने से पहले आपसे फीस वसूलते हैं, हां कि ना। सही सलाह के बदले में फीस लगती है, लेकिन फोकट के सलाहगीर तो मार्केट में ढेर सारे, ऐसे ढेर सारे सलाहगीर आपको मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि भाई इसे करने से कुछ भी नहीं होता। जो लोग आपको सलाह देते हैं कि इसे करने से कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब पहले से उनको 10-20 साल का एक्सपीरियंस होगा इस काम का, 10-20 साल उन्होंने पहले करके देखा होगा और उनको पता होगा कि हाँ मैंने 20 साल किया था मेरे से नहीं हुआ। क्या उन्होंने इससे पहले कभी कुछ किया, क्या ना कुछ भी नहीं किया इस तरह का कोई भी काम, लेकिन सलाह देने में एक्सपर्ट है। पान का कत्था का चूना लगाने वाला भी विराट कोहली को सलाह दे सकता है, तो सामने वाला पड़ोसी भी आपको सलाह दे सकता है कि जी ये काम आपने करना शुरू किया है, ये काम आपके लायक है या नहीं। तो अल्टीमेटली किसकी बात सुनकर किसी आदमी की जिंदगी बदलती है, पड़ोसी की या अपने दिल की, किसकी सुननी चाहिए, अपने दिल की। मेरे भाई आज ये बिजनेस आपकी जिंदगी में आपके पास एक मौका बन के आया है, जरूरी नहीं है मौका आपकी जिंदगी में जो आज आया है, ये मौका जिंदगी भर बार बार ये मौका आपके पास में आएगा। जब बात मौके की ही चली है तो एक बात मेरे दिमाग में याद आई है, एक एग्जांपल मेरे दिमाग में याद आया। दरअसल एक किसान था, एक किसान, एक नई नई उम्र का एक लड़का था, लड़का समझते हो मेरे जैसा जवान सा, नहीं मैं तो थोड़ा सा काला शाला सा हूं, एक बढ़िया हैंडसम सा मॉडल टाइप एक लड़का था। और आजकल देखते ही हो आप नई नई बीमारियां लगती है लोगों को, तो आजकल में लगने वाली जो नई वाली जो बीमारी थी ना वो उसे लगी हुई थी, लबेरिया, मलेरिया का चचेरा भाई,
लवेरिया था उसे, एक लड़की के साथ में दिलो जान से उसको मोहब्बत करता था, उसके लिए बड़े बड़े कसमें और वादे खाए थे, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए, अरे फूल और कांटे की तो छोड़ चांद सितारे जमीन पे तोड़ के जमीन पे तेरे कदमों में बिछा दे, अरे ये जन्म तो छोड़ अगले 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट आज ही बना दे। लोग लैला मजनू को क्या याद करेंगे, उससे बड़ा किस्सा कहानी हम बना के दिखाएंगे। अरे लोग हीरो फरहाद को भूल जाएंगे और हमारे नाम के गाने गाएंगे। बड़े बड़े कसमें वादे, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए, तेरे लिए जमाना छोड़ दूं खुदाई छोड़ दूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके साथ में की। और एक दिन वो लड़का बड़े जोश में था और उसने उस लड़की से बोला कि चल आज जो होगी सो होगी, आज तेरे बाप के पास में जाता हूं, आज तेरी शादी का बात तो फाइनल कर ही डालता हूं, एकदम डन। बड़े तैश में था, बड़े जोश में था, वो गया लड़की के बाप के घर पर, दरवाजे पर उसने दस्तक दी और एक लगभग 55-56 साल का एक बुजुर्ग सा एक व्यक्ति दरवाजे से बाहर आया, बोला हाँ जी क्या बात है। तो बड़ा डरते डरते, चला तो गया था जोश में, लेकिन बड़ा डरते डरते हिलते हुए उसने बोला अपने आप को संभाल कर, जी देखिए मेरा नाम यह है और मैं आपकी बेटी को दिलो जान से चाहता हूं और मैं उसे शादी करना चाहता हूं। ये बोलने के बाद एकदम उसने आंख बंद कर लिया, अब उसको लगा बेटा अब पड़ेगी, खूब पड़ेगी, मन ही मन सोच रहा था। तो इतने में बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है अच्छा आप मेरी बेटी से मोहब्बत करते हैं, बोला हाँ, शादी करना चाहते हैं, बोला हाँ। तो बोला ठीक है आप कर सकते हो, हैं कर सकता हूं, आपको कोई एतराज नहीं, बोला ना सच्ची में, बोला हाँ सही में, बोला हाँ। अरे वो तो खुश, उसने ये भी तय कर लिया हनीमून कहां मनाएंगे, मनाली में, बच्चे हुए तो नाम क्या रखेंगे, सब सोच डाला, बोला अब सारा मामला फिट हो गया। लेकिन इतने दिन में बुजुर्ग बोलता है कि देखो जी आप मेरी बेटी शादी करना चाहते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं देखो मामूली सा किसान आदमी हूं, बस मेरी एक शर्त है। अब जैसे उसने शर्त का नाम लिया, अब आदमी लड़का घबराने लगा, कहीं ऐसा ना हो इसका बाप अभी बोले चल सितारों को तोड़ के जमीन पे लेके आ, लड़की ने बोल दिया और चुपचाप से। तो अच्छा कौन सी शर्त है जी? तो किसान आदमी कहता है, बुजुर्ग आदमी कहता है कि देखो जी मैं बड़ा छोटा सा किसान आदमी हूं और मेरे पास में खेती बाड़ी करने के लिए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, देखो मेरे घर के बाहर वो झोपड़ा दिखाई दे रहा है ना टूटा फूटा सा, बोला हाँ, बोला उस झोपड़े के भीतर मेरे पास में 3 बैल है। क्या है जी? 3 बैल है जिससे मैं खेती करता हूं और वो मेरे तीनों के तीनों बैल उस झोपड़े में बंधे हुए। बोला फिर? बोला फिर क्या? मैं उस झोपड़े में जाऊंगा और एक एक करके उन बैलों को छोड़ूंगा, अगर आपने एक भी बैल की पूछ अगर पकड़ ली तो मेरी बेटी आपकी। बोला बस इतनी सी बात? बोला हाँ। सच्ची में? बोला हाँ। ओहो वो तो एकदम खुश, मजा आ गया, हनीमून का भी सोच डाला। बोला यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटा सा काम है, बैल की पूछ पकड़ने की क्या जरूरत, उखाड़ दूंगा, इतना छोटा सा काम है। बोला ठीक है जाओ जी। वो बूढ़ा किसान उस झोपड़े में चला गया और झोपड़े में जाने के बाद भीतर से आवाज लगाता है, हाँ जी बैल छोड़ू, तो बाहर ऐसे खड़ा था वो। बोला इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जल्दी छोड़ो बापूजी, बैल की पूछ पकड़नी है और शादी करनी है, 7 फेरे लगाने। तो एकदम तैयार था कि बैल भी आएगा, उसकी पूछ पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। दरवाजा खुला झोपड़े का, जैसे ही दरवाजा खुला तो देखो ये बाहर आया। जैसे ये बाहर आया बोला हाँ ये बैल है, बैल का पप्पा है, दौड़ के लपक एकदम साइड में हो गया, बोला बैल बाप जाओ। बोला भाई ये बैल है? बोला ये अगर मेरे बराबर से अगर निकल जाए तो मैं तो पता नहीं इस दुनिया में रहूंगा या उस दुनिया में चला जाऊंगा। बोले जा भाई जा। वो बैल आया और चला गया। तो भीतर इधर आता है साइड में, थोड़ा तैयार नहीं था, किसान ने मेरे को बेवकूफ बना दिया। बोला छोटा मोटा किसान, छोटे मोटे किसान के बैल ऐसे होते? बेवकूफ बना दिया। वो थोड़ा वार्म अप नहीं कर रखा था मैंने, थोड़ी भी तैयारी व्यारी नहीं कर रखी थी, मां कसम तैयारी कर रखी होती तो इस बैल की क्या मजा मेरे बगल से निकल जाता। फिर भीतर से उस किसान ने आवाज लगाई, हाँ भाई दूसरा बैल छोड़ू? तो इसने बोला हाँ छोड़ो, अब की बार ऐसे करके तैयार, कि मां कसम एक तो नहीं। अब ये टेंशन में आ गया, बोला यार उस लड़की को मैंने जीने मरने के कसमें खाए, इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, वो बातों का क्या होगा, मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा। बोला कुछ भी हो, अब की बैल वाला चाहे से 4 गुना आ जाए, लेकिन मां कसम जान पे खेलकर उस बैल की पूछ पकड़ ले रही है और एकदम इज्जत वाली बात है। तो तैयार था, भीतर से फिर किसान ने आवाज लगाई, हाँ भाई बैल छोड़ू? तो उसने बोला हाँ छोड़ो, अब तो एकदम पतलून पतलून एकदम टाइट वाइट करके ऊपर के शर्ट के बटन सब खोल खाल के, कि बोला अब इधर से आएगा तो इधर पकड़ लूंगा, इधर से आएगा तो इधर पकड़ लूंगा, मां कसम अब की बार नहीं छोड़ूंगा, एकदम रेडी था, बस आए बस खाली पकड़ ही लेना है। दरवाजा खुला, अब इधर थोड़ी आएगा, तब मैं बताऊंगा हर बार इधर क्यों आएगा। जैसे दरवाजा खुला, एक मरियल सा एक बैल उसमें से बाहर आया, ऐसा वाला बैल जिसकी हड्डियां और पसलियां सब बराबर दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने महीने से उस बैल को खाना पानी नहीं दिया। जैसे ही उस
लड़के ने उस मरियल से बैल को देखा, बोला ये बात, पहला वाला मामला तो अंत में छोड़ा, इसी को पहले छोड़ देते तो मामला पहली रफा दफा नहीं हो जाता। देखो कितना बेवकूफ किसान आदमी। बोला चल कोई बात नहीं, छोड़ा तो छोड़ा, आप तो छोड़ दिया। तो बोला बैल महाराज जल्दी आओ, सात फेरे लगाने का सवाल है। तो बैल तो बेचारा मरियल था, चला नहीं जा रहा था उसको, आराम आराम से चल के आ रहा था। बोला बैल महाराज अरे आपको जल्दी नहीं है, मेरे को जल्दी है, आप अगर नहीं आते तो मैं आता हूं। लपक के गया उस बैल की पूछ पकड़ने। जैसे ही पास पहुंचा तो क्या देखता है भाई साहब, बैल तो पूछ कटी है, बैल तो पूछ कटी है, उस बैल की तो पूछ ही नहीं है। तो अब क्या कहता है, काश पहले वाले बैल की पूछ पकड़ लेता, काश मैं दूसरे वाले बैल की पूछ पकड़ लेता। जिंदगी में हमारे साथ भी अक्सर करके ऐसा ही होता है, हम उस खुदा के दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जानते हैं, चर्च में जाते हैं, जिस भी रूप में हम उसको मानते हैं हम उस जगह जाते हैं और उस खुदा से बोलते हैं कि हे भगवान मेरी जिंदगी बदलने के खातिर भी तो कुछ कर, मेरे जीवन में भी कुछ परिवर्तन लाने के खातिर कुछ तो कर, मेरी जिंदगी के बारे में भी तो कुछ सोच। भाई साहब परमात्मा सतयुग में अवतार लिया करते थे, राम राज में भगवान अवतार लिया करते थे, ये कलयुग है कलयुग, आज परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं। क्या आज परमात्मा आपकी जिंदगी को बदलने के खातिर कोई अवतार लेकर आपके पास में आएगा क्या? क्या चेक काट के आपकी जिंदगी में देगा, चल ले 5 करोड़ का चेक बदल ले जिंदगी, ऐसा कभी करेगा क्या? क्या नोटों का बंडल आपको लाके देगा क्या? आज वो परमात्मा ना कभी ना अवतार लेके आएगा, ना ना नोटों की बंडल देगा, ना कोई चेक काट के देगा। आज वो परमात्मा आपकी जिंदगी को बदलने के खातिर सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत मौका आपकी जिंदगी में देगा और उस मौके को पहचानना आपका काम है। वो मौका आपकी जिंदगी में देगा और वो परमात्मा जब हमारी जिंदगी को बदलने के खातिर कोई एक मौका हमारे जीवन में देता है तो हम क्या कहते हैं, ये वाला थोड़ा मुश्किल सा है, इसमें टेंशन ज्यादा है, ये थोड़ी दिक्कत वाला काम है, ये भगवान एक काम करना अगली बार कोई मौका देना तो मां कसम आग लगा दूंगा आग। और जब वो खुदा दोबारा कभी कोई मौका देता है तो क्या अपन बोलते हैं, ये वाला थोड़ा पहले से मुश्किल वाला काम है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें टेंशन बहुत ज्यादा है, भगवान अगली बार कोई मौका देना जिंदगी बदलने का मां कसम दुनिया हिला दूंगा दुनिया। कोई जरूरी नहीं जिंदगी बदलने के खातिर वो खुदा आपके जीवन में कोई तीसरा मौका आपके पास में देगा, कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम कि इस परमात्मा ने आपकी जिंदगी बदलने के खातिर अब तक आपकी जिंदगी में कोई मौका दिया है या नहीं दिया है, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बगैर कोई भी एक पत्ता नहीं हिलता। आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं? आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, आप अगर चाहते तो अपनी बीवी के बगल में बैठ के चाय पीकर पकौड़े खाते हुए आप अपना पूरा दिन गुजार सकते थे। आप चाहते तो अपने दोस्तों के साथ में गप्पबाजी करते हुए आज का दिन टाइम पास कर सकते थे। आप अगर चाहते तो अपने परिवार के साथ में किसी बढ़िया से फिल्म को देखने के लिए जा सकते थे। आप अगर चाहते तो टाइम पास करने के लिए अपने पड़ोसी से बात करते करते पूरा दिन गुजार सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आज आप यहां बैठे हैं। इसका मतलब यहां आप अपनी मर्जी से नहीं, वो परमात्मा जिसे आप मानते हैं, जिसे आपने मांगा है, धूप बत्ती जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, हे परमात्मा, हे खुदा, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी बदलने के खातिर कुछ तो दे मेरी लाइफ में ये मौका, जिसे आज आप सुनने के लिए, देखने के लिए यहां पर मौजूद है, ये मौका उस परमात्मा की देन है जो आज आप यहां पर बैठे हुए, ये उसने आपके हाथ में दिया है। आप अपनी मर्जी से यहां पर चल के नहीं आए, आप अपनी मर्जी से इस हॉल में अभी तक बैठे हुए नहीं है। बहुत सारी कुर्सियां आप लोगों के बीच में से खाली हैं, जिन्हें परमात्मा को देना नहीं था वो कुर्सियों को छोड़कर वापस चले गए, लेकिन उसके बावजूद यहां अब भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा कहीं ना कहीं चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को बदले। ये मौका आपकी जिंदगी में उस खुदा की देन है, ये मौका उसने आपको दिया है। इस मौके को अगर आपने पहचान लिया और इस मौके के भीतर काम करके अगर आपने अगर करके दिखा दिया तो जिंदगी में आने वाले कल में आप भी कहेंगे कि परमात्मा तूने मुझे एक मौका दिया था, देख मैंने करके तो दिखा दिया, परमात्मा ने मुझे मेरी जिंदगी में दिया, मैंने करके दिखाया। उस खुदा ने आपको आपकी जिंदगी को बदलने का मौका दिया है, आप भी अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। यस या नो? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड शेयर करना चाहिए तो शेयर करें, और आप ऐसी वीडियो लगातार चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे।